वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। कैनरा बैंक में कुछ खास होने जा रहा है जिसके चलते स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ इसके टारगेट प्राइजेस भी निकल कर आ रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा अपडेट है जिसकी वजह से इसके अंदर हमें बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रही है, स्टॉक में तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रही है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगी कि स्टॉक में आज हमें 1 से 2% की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक की ओपनिंग देख सकते हैं आप 144 पर हुई थी और अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है 149.35 पर। इसके पीछे की वजह देखने को मिलती है स्टॉक में तेज़ी की, तो वो है इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो कि 18 मई को यहाँ पर आने वाले हैं। तो स्टॉक में ये जो तेज़ी बन रही है इसके पीछे की वजह है कि ये रिजल्ट्स आने वाले हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे, ऐसे लोग इसके अंदर देख रहे हैं, इसके वजह से इसमें तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन तेज़ी देखने को मिल रही है इसके वजह से आप इसके अंदर अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर मत रख देना, रिजल्ट तक का आपको वेट करना चाहिए। रिजल्ट्स अगर गुड आएंगे तभी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चालू कीजिएगा, नहीं तो अभी तेज़ी बन रही है इसके चलते आप इसके अंदर क्वांटिटी बढ़ाकर मत रख दीजिएगा। नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगी आपको जो कि इसका रेवेन्यू है, आप देख सकते हैं कितने तेज़ी से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। 49.31 से लेकर वो आप 61.56 बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन जहाँ इसके प्रॉफिट और लॉस की बात आते हुए देखने को मिलती है तो इसमें प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से स्टॉक के जो अपकमिंग रिजल्ट्स हैं इसके ऊपर से ही ये डिपेंड करता है कि स्टॉक का आगे का परफॉर्मेंस हमें कैसे देखने को मिलेगा। वैसे अदरवाइज स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक तो 739 तक जा चुका है और अभी इसका वैल्यूएशन कुछ भी नहीं है, तो आप इस लेवल पर भी इसके अंदर क्वांटिटी खरीद सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता देना चाहूँगी, ये इसका मैक्सिमम लेवल का चार्ट पैटर्न है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक में कितने पीक पॉइंट्स आए और कितनी बार स्टॉक के अंदर गिरावट होते चली गई, और मैक्सिमम लेवल पर आप देख सकते हैं स्टॉक कहाँ पर, यानी कि उसके पहले की सिचुएशन में वो आते हुए देखने को मिल रहा है उसके अपवर्ड मोमेंटम के बाद। तो इसका ख्याल आप ज़रूर रखिएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर मैं जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो करंट प्राइस से लेस देखने को मिलती है। रिटर्न यहाँ पर एफडी से ज़्यादा नहीं देता है स्टॉक, डिविडेंड के मामले में भी उतना अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट बेस्ट रहेगा जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया, और इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग देखने को नहीं मिलता है। जहाँ तक कि इसके क्वांटिटी ट्रेडेड की बात की जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि इसकी क्वांटिटी है 2,99,51,996 की क्वांटिटी ट्रेडेड होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रही है, और लोग अपने पोर्टफोलियो में इसे शामिल कर रहे हैं 85,74,031 यहाँ तक इसके अंदर लोग शामिल करते हुए देखने मिल रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो के अंदर उसे स्टॉक ये रखने के सोच रहे हैं। तो इतना लेवल भी इसका हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं 28.63, और ये जो बाइंग सेलिंग की क्वांटिटी है कभी भी देखिएगा ये आपको एक ही तरह पर देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में दोनों सिचुएशन लगातार हमें बनते हुए देखने को मिलेगी, बाइंग होगी दूसरी तरफ सेलिंग भी होते हुए देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी इनके होल्डिंग के बारे में, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर का कितना बड़ा और ज़बरदस्त स्टेक देखने को मिलता है 69.33% का, पब्लिक के पास 13.48% का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है 12.6% के साथ, और फॉरेन इन्वेस्टर 4.59% के स्टॉक साथ इसके अंदर अपना होल्डिंग कायम करे हुए है। साथ ही साथ इसके टारगेट प्राइजेस भी निकल कर आ रहे हैं कैनरा बैंक के, तो ये 160+ के निकल कर आ रहे हैं जो कि ये 6 से 7 दिनों के अंदर ये टारगेट प्राइजेस अचीव करते हुए आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंट्राडे वालों के लिए भी ये टारगेट प्राइजेस बहुत ही काम आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।